हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवन का इंग्लिश की पोएम जो हमने पढ़ ली है, द रेबेल। डी जे एन राइट ने इसे लिखा है, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो वर्किंग विद द पोएम पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ समवन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो यूनिफॉर्म नहीं पहन के आता है स्कूल में, तो आपको क्या लगता है टीचर उसे क्या कहेगी। तो इसका आंसर है, इफ समवन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म द टीचर विल स्कोल्ड एंड पनिश द चाइल्ड एंड विल आस्क हिम टू गो बैक होम। तो क्या होगा, टीचर अगर कोई बच्चा यूनिफॉर्म पहन के नहीं आएगा तो टीचर उसे डांटेगी, हो सकता है उसे मारे भी और उसे पनिश करेगी उस चाइल्ड को, या फिर हो सकता है उसे घर भेज दे, क्योंकि वो सब बच्चों से अलग ड्रेस पहन के आया, अलग यूनिफॉर्म पहन के आया, तो उसे डांट तो पड़ेगी ही। फिर अब अगला क्वेश्चन है, व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, व्हाट डज द रेबल वांट मोस्ट। तो जब सबको एक क्लियर स्काई चाहिए होता है, तो रेबल को उस समय सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है। व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, द रेबल वांट्स अ क्लाउडी स्काई। तो जब सबको एक साफ आसमान पसंद होता है, तो रेबल को क्लाउडी स्काई पसंद आता है, क्योंकि वो सबसे उल्टा था, इसलिए वो ऐसे सबसे उल्टी बातें करता था। तो इसका तो बहुत छोटा आंसर था। अब अगले पे आते हैं, इफ द रेबल हैज़ अ डॉग फॉर अ पेट, व्हाट इज़ एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव। इसका आंसर है, इफ द रेबल हैज़ अ डॉग फॉर अ पेट देन एवरीवन एल्स इज लाइकली टू हैव अ कैट फॉर अ पेट। इसका मतलब है हिंदी में, अगर रेबल के पास, रेबल यहाँ पे उस पर्सन को बोला गया है जो सबसे अपोजिट बातें करता है, सबसे अलग बातें करता है। तो आंसर है, इफ़ द रेबल हैज़ अ डॉग फॉर अ पेट, अगर रेबल के पास डॉग होता पेट के लिए, पेट अगर उस पर डॉग होता, देन एवरीवन एल्स इज लाइकली टू हैव अ कैट फॉर अ पेट। तो दूसरों के पास जो बाकी दूसरे लोग हैं उनके पास कैट होती पेट के उस पर, रेबल के पास अगर डॉग है तो दूसरों के पास कैट होगी। वाई इज़ इट गुड टू हैव रेबल्स। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में रेबल्स होना अच्छा है, मतलब रेबल्स होने चाहिए हमारे दुनिया में। इट इज़ गुड टू हैव रेबल्स बिकॉज एट लीस्ट देर आर सम पीपल हु हैव द गट्स टू गो अगेंस्ट द वर्ल्ड। ये अच्छा है कि हमारी दुनिया में रेबल्स होने चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो दूसरों के अगेंस्ट बात करें, दूसरे लोगों की से उल्टी बात करें इस दुनिया में। वाई इट इज़ नॉट गुड टू बी अ रेबेल वन सेल्फ। अब ये अच्छा क्यों नहीं है कि अगर हम खुद ही एक रेबेल हों। इट इज़ नॉट गुड टू बी अ रेबेल वन सेल्फ बिकॉज देन पीपल विल नॉट लाइक यू एंड यू विल बी ऑल अलोन। तो क्या होगा, ये आंसर था इसका कि ये अच्छा नहीं है कि अगर हम खुद ही एक रेबेल हो, क्योंकि फिर लोग जो दूसरे लोग हैं वो आपको पसंद नहीं करेंगे, और हो सकता है आप अकेले रह जाओ। और लोग पसंद क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे ये तो हमसे हमेशा उल्टी बातें करता है, ये तो हमेशा अलग ही रहता है, अलग बातें करता है, तो ये हमारे लिए, हमें इसके साथ नहीं रहना चाहिए, अच्छा नहीं है, तो वो आपको अकेले छोड़ देंगे। वुड यू लाइक टू बी अ रेबेल, लाइक टू बी अ रेबेल, इफ यस व्हाई, इफ नॉट व्हाई नॉट। तो इसमें पूछा है, क्या आपको पसंद है कि आप एक खुद ही रेबेल होते हैं, ये अपने उससे देना है, तो इसका वैसे इतना ज़रूरी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड इन द पोएम एन एंटोनियम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनियम का मतलब यहाँ पे मैं बता रखा है, अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। एंटोनियम वर्ड्स वो होते हैं जो दूसरे शब्द के अपोजिट हो, जैसे लॉन्ग का अपोजिट यहाँ पे देखते हैं, लॉन्ग का एंटोनियम है शॉर्ट, यानी एंटोनियम का मतलब ही अपोजिट है। ग्रो होता है, ग्रो का अपोजिट है कट, ये हमें पोएम के हिसाब से बताया हुआ है, पोएम के हिसाब से हमें इसमें आंसर लिखने हैं। लॉन्ग का शॉर्ट, ग्रो का कट, क्वाइटनेस का डिस्टर्बेंस, क्वाइटनेस यानी शांति और डिस्टर्बेंस यानी शोर शराबा, मतलब बहुत हलचल। सोबर होता है शांत, इसका एंटोनियम होगा फैंटास्टिक, यानी सब बहुत अलग। सोबर का हो गया मतलब सीधा साधा, फैंटास्टिक होता है थोड़ा अच्छा सा।
लॉस्ट का तो सबको पता ही है, फाउंड होता है, लॉस्ट यानी खोना, फाउंड यानी पाना। तो अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड इन द पोएम लाइंस डेट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर द अदर। तो अब तीसरा क्वेश्चन है, द रेबल तो इसमें हमें द रेबल रिफ्यूज़ टू कट हिज हेयर। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, ये जो मैं लाइनें दी हुई हैं इनसे रिलेटेड पोएम में क्या लिखा है। तो द रेबल रिफ्यूज़ टू कट हिज हेयर, तो पोएम में लिखा था, व्हेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। तो जब सबके बाल छोटे होते हैं तो रेबल अपने बाल बड़े कर लेता है। ही सेड्स कैट्स आर बेटर, वो कहता है कि कैट्स ज़्यादा अच्छी हैं। इसका आंसर है, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। डॉग लवर्स, जहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो डॉग लवर्स होते हैं, तो रेबल क्या करता है, कैट्स की प्रेफरेंस करता है, यानी कैट्स को ज़्यादा पसंद करता है, उनके बारे में ज़्यादा अच्छा कहता है। ही रिकमेंड्स डॉग्स, वो डॉग के बारे में बहुत वो रहता है, रिकमेंड करता है कि यार डॉग ही होना चाहिए सबके पास पेट। तो इसका आंसर है, इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। जहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जिनको बिल्लियाँ पसंद होती हैं, तो रेबल डॉग के बारे में अच्छी बातें कहने लग जाता है। तो ये इसमें क्वेश्चन में यही है कि जो यहाँ पे हमें लाइनें दे रखी है इन्हीं से, मतलब इनसे रिलेटेड जो हमें पोएम में दे रखा है वही बताना है। तो हमारे लास्ट टू पॉइंट रह गए, ही इज़ अनहैप्पी बिकॉज देर इज़ नो सन, वो दुखी है क्योंकि यहाँ पे कोई सूरज नहीं है, आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं। इसका आंसर है, व्हेन एवरीबॉडी इज़ ग्रीटिंग द रेन द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। तो जब हर कोई रेन को ग्रीट कर रहा होता है कि बारिश आनी चाहिए, तो रेबल क्या करता है, सन की एब्सेंस को, वो सन की एब्सेंस होती है तो वो दुखी हो जाता है। जब हर कोई बारिश के बारे में सोच रहा होता है कि अच्छा है बारिश हो जाएगी, तो रेबल दुखी होता है कि सन आना चाहिए, धूप आनी चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे उल्टी बातें करता था इसलिए ऐसा है। ही इज़ नॉइजी ऑन पर्पस, वो बहुत शोर शराबा करता था कि कहीं भी। तो इसका आंसर है, व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। जब लेसन के दौरान कोई बात नहीं कर रहा होता तो रेबल डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो यहाँ हमारे चैप्टर हो गया है, डी जे एन राइट ने इस पोएम को लिखा था। तो आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए हैं और पोएम तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो कैसा लगा आपको चैप्टर, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी वाइब्स विद मिंकू। सो थैंक यू।